ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ VCD नंबर 496, क्लैरिफाइड ऑन 17 अगस्त 2006 एट पूना महाराष्ट्र। 14 अप्रैल 1967। दिस इज द वाणी डेटेड 14 अप्रैल 1967। अक्सर करके देखा जाता है और प्रदर्शनी के समाचार भी जाते हैं, तो मूल बात जो बाप की पहचान की है उस पर ही पूरा निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वो कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। इट इज ऑफन सीन एंड द न्यूज ऑफ एग्जीबिशन ऑल्सो रीचेस बाबा because of not making people have complete faith in the main point, which is the recognition of the father, everything else that you keep explaining is difficult to sit in anybody's intellect. Bala achha achha kehte hain, parantu baap ki pehchan nahi ho pati. Though they say the knowledge is good, it is good, they aren't able to recognize the father. पहले तो बाप की पहचान होना चाहिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड रिकॉग्नाइज द फादर, शुडंट दे? बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। द फादर सेज रिमेम्बर मी। मैं ही पतित पावन हूँ। आई अलोन एम द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर। मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाओगे। You will become pure from impure only by remembering me. ये मुख्य बात है। This is the main point. बाकी और टिक टिक करने से फायदा नहीं। As for the rest, there is no use of rest of the unnecessary talks. तो पहले पहले चाहिए बाप की पहचान और ये बुद्धि में बैठे कि भगवान एक है। सो द फादर्स इंट्रोडक्शन इज एसेंशियल फर्स्ट एंड इट शुड सिट इन द इंटेलेक्ट दैट गॉड इज वन। सर्वव्यापी अनेक नहीं है। ही इजंट ओमनीप्रेजेंट और मेनी। एक व्यापी होकर आता है। ही कम्स बीइंग प्रेजेंट इन वन, एक व्यापी। वो ही पतित पावन है। He alone is the purifier of the impure. ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। He is the ocean of knowledge, the ocean of happiness. वो ऊंचे से ऊंचे एक है। He alone is the highest of the high. अगर ये निश्चय हो जावे तो फिर और जो भी भक्ति के वेद शास्त्र हैं, अथवा गीता भागवत है, सब खंडन हो जाते हैं। इफ समवन हैज दिस फेथ ही रिफ्यूट्स ऑल द वेदास स्क्रिप्चर्स द गीता और भागवत ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति फ्रॉम हिज माइंड। भगवान तो खुद आकर के कहते हैं कि मैंने तो ये नहीं समझाया है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। गॉड हिमसेल्फ कम्स एंड सेज I certainly didn't explain that I am omnipresent. ये मेरा ज्ञान ही नहीं है। This isn't my knowledge at all. शास्त्रों में तो है ही भक्ति मार्ग का ज्ञान। There is certainly the knowledge of the path of bhakti in the scriptures. मैं तो ज्ञान दे करके सदगति करके चला जाता हूँ। I give the knowledge, make you attain sadgati and go back. फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। Then this knowledge becomes almost extinct. और ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर बाद में भक्ति मार्ग शुरू होता है। And after the achievement of knowledge exhausts, the path of bhakti begins later on. ये भक्ति मार्ग के शास्त्र सब खंडन किए हुए हैं।
ऑल दी स्क्रिप्चर्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति हैव बीन रिप्यूटेड। जब बाप का निश्चय बैठ जावे तब समझे। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। When you have faith in the Father, you will understand that these are the scriptures of the path of bhakti. ज्ञान और भक्ति आधा आधा समझ लेते। He thinks knowledge and bhakti are reciprocal. परंतु भक्ति में ज्ञान होता नहीं है। But there isn't knowledge in bhakti. इसलिए ये जो भी शास्त्र हैं, सब भक्ति मार्ग की सामग्री। This is why all these scriptures are the things related to the path of bhakti. इनमें भगवान वाच है नहीं। There aren't God's words in them. बल गीता में लिख दिया है भगवान वाच। Though it has been written in the Gita, भगवान वाच। परंतु कृष्ण तो भगवान हो न सके। Krishna certainly can't be God. राम कृष्ण तो देवता है। राम एंड कृष्ण आर इन फैक्ट डीटी। मनुष्य को देवता बनाने वाला तो भगवान है। इट इज गॉड हु मेक्स ह्यूमन बीइंग्स इनटू डीटी। तो देवता और भगवान एक कैसे हो सकते। सो हाउ कैन डीटीज एंड गॉड बी द सेम। भगवान अलग और देवता अलग। गॉड इज डिफरेंट एंड द डीटीज आर डिफरेंट। देवताओं को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। डीटीज आर कॉल्ड कंप्लीट इन ऑल वर्च्यूज कंप्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज कंप्लीटली नॉन वायलेंट एंड द बेस्ट अमंग द सोल्स फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट। भगवान को तो कलाओं में नहीं माना जाता। गॉड सर्टेनली इजंट बाउंड इन सेलेस्टियल डिग्रीज। भगवान को तो कहा जाता है कलातीत। गॉड इज कॉल्ड कलातीत आफ्टर ऑल। कल्पांतकारी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड कल्पांतकारी दैट इज द वन हु एंड्स द साइकिल। कृष्ण भगवान को तो द्वापर के अंत में डाल दिया है। लॉर्ड कृष्ण हैज बीन शोन इन द एंड ऑफ द कॉपर एज। द्वापर के अंत में आए और चले गए तो कल्पांत कहाँ हुआ। ही केम इन द एंड ऑफ द कॉपर एज एंड वेंट। Then did the cycle end? कल्प का अंत तो चतुर्युगी के बाद कलयुग के अंत में ही हो सकता है। The end of the cycle can take place only after the four ages are over, in the end of the iron age. तो वास्तव में गीता में भी भगवान वाच नहीं है। So in reality, there aren't God's words in the Gita either. कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता। कृष्ण कांट बी कॉल्ड गॉड। कृष्ण तो रचयिता है। ऐसा नहीं हो सकता। इट इज इन पॉसिबल दैट कृष्ण इज द क्रिएटर। कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। द चाइल्ड इज कॉल्ड कृष्ण। बच्चे के रूप में कृष्ण की पूजा भी होती है। कृष्ण इज ऑल्सो वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड। परंतु वो भी समझ नहीं सकते कि वो किस समय की यादगार है। बट पीपल कांट अंडरस्टैंड इट इज द यादगार ऑफ विच टाइम। बच्चा बुद्धि अल्प बुद्धि होती। अ चाइल्ड लाइक इंटेलेक्ट इज एन इग्नोरेंट इंटेलेक्ट। उसको बुद्धि देने वाला भगवान बाप है। इट इज गॉड द फादर हु गिव्स हिम विजडम। राम बाप को कहा जाता है। द फादर इज कॉल्ड राम। भगवान जब आते हैं तो वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। When God comes, he himself gives his introduction. क्योंकि भगवान का परिचय भगवान के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। It is because nobody else except God can give his introduction. क्योंकि भगवान तो जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहे हैं। इट इज बिकॉज गॉड इज बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं
वो सब इस चक्कर से पसार होती है। द सोल्स ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स पास थ्रू दिस साइकिल। 84 का चक्कर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ द 84 बर्थ्स। 84 लाख का चक्कर नहीं है। इट इज इन द साइकिल ऑफ 84 लाख, दैट इज 8.4 मिलियन बर्ड्स। ये तो मनुष्य गुरुओं ने मुगालते में डालने के लिए अपने ज्ञान की कमजोरी को छुपाने के लिए लाखों वर्ष डाल दिया है। द ह्यूमन गुरुज हैव रिटन लैक्स ऑफ इयर्स टू मिसलीड पीपल टू हाइड द वीकनेस ऑफ देयर नॉलेज। लाखों वर्ष बता देंगे तो कोई पूछेगा ही नहीं कि तुमने कैसे 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 जन्मों में पार्ट बजाया। थिंकिंग इफ वी स्टेट द ड्यूरेशन ऑफ द वर्ल्ड टू बी लैक्स ऑफ इयर्स, नोबडी विल आस्क हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ पार्ट डिड वी प्ले इन मेनी बर्थ्स। वास्तव में मनुष्य आत्मा तो ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। इन रियालिटी अ ह्यूमन सोल हैज मैक्सिमम 84 बर्थ्स। तो उन सब शास्त्रों में जिनमें 84 लाख की बात कही गई है, 84 लाख योनियों में आत्मा भ्रमण करती है फिर मनुष्य जन्म लेती है, वो भगवान वाच नहीं है। सो ऑल दो स्क्रिप्चर्स इन विच द कॉन्सेप्ट ऑफ 84 लाख हैज बीन स्टेटेड that a soul has a human birth after wandering in the 8.4 lakh species, they aren't the words of God. ये भी जानते हैं, इस भक्ति से दुर्गति तो होनी है। You also know that degradation is certainly going to take place because of bhakti. इन भक्ति की बातों में सब झूठ ही झूठ है। There is only falsehood in the topics of bhakti. सच है नहीं। There isn't truth. क्यों सच नहीं है? Why isn't truth present in them? कौन बाप ने पढ़ा? सुनी सुनाई बात है। भक्ति की बातों में सच इसलिए नहीं है कि ये सब भक्ति के शास्त्र मनुष्यों के लिखे हुए हैं। There isn't truth in the topics of bhakti because all its scriptures have been written by human beings. मनुष्य के द्वारा झूठ खंड स्थापन होता है। The land of falsehood is established by the human beings. और भगवान के द्वारा सच्च खंड स्थापन होता है। And the land of truth is established by God. भगवान को ही truth God Father कहा जाता है। God alone is called the truth God the Father. कहते भी है सत्यम शिवम सुंदरम। इट इज ऑल्सो सेड सत्यम शिवम सुंदरम, दैट इज ट्रू बेनेवोलेंट ब्यूटिफुल। वो सच्चा बाप आकर के सच्चे युग की स्थापना करते हैं। द ट्रू फादर कम्स एंड एस्टैब्लिशेस द एज ऑफ ट्रुथ। इसके द्वारा थ्रू होम सच्चे बच्चों के द्वारा थ्रू द ट्रू चिल्ड्रन। सत्य बाप को सच्चाई बहुत पसंद है। The true father is very fond of truthfulness. जो झूठे हैं, वो झूठ खंड स्थापन करते हैं। Those who are false establish the land of falsehood. भगवान के आने पर भी सच्च का साथ नहीं दे सकते। They can't support the truth even when God comes. झूठ की दुनिया का ही साथ देते हैं। They just support the world of falsehood. बाप आकर बताते हैं कि लाखों वर्ष का कल्प नहीं है। The father comes and tells you that the cycle isn't of lakhs of years. ये लाखों वर्ष के कल्प की बात शास्त्रों में कौन ने बताई? Who stated this concept in the scriptures that the cycle is of lakhs of years? मनुष्य गुरु। मैं तो कहता हूँ कल्प 5000 वर्ष का है। Student, human gurus. In fact, I say that the cycle is of 5000 years. ऐसे तो मनुष्यों ने भी कोई कोई ने लिखा है शास्त्रों में।
कि हरियुग 1250 वर्ष का होता है। As such, some human beings have also written in the scriptures that each age is of 1250 years. परंतु व्याख्या करने वालों ने देवताओं के दिव्य वर्षों से उसको गुणा कर दिया। But those who interpreted them multiplied it with the divine years of the deities. तो पहले पहले मुख्य बात पहचानने की है कि भगवान कौन है। So the most important point is to recognize who God is. ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक बाकी सब समझाने का असर नहीं रहेगा। Until this point sits in the intellect, explaining anything else will have no effect. और सारी मेहनत इसी बात को समझाने में है। And all the hard work is involved in explaining this very point. कि भगवान कौन है? As to who God is. भगवान है ही जो कब्र दाखिल हुए पड़े हैं, उनको जगाने के लिए। God comes only to awaken those who are buried in the grave. ये देह अभिमानी की मिट्टी है जिसे कब्र कहा गया है। इट इज द सॉइल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस दैट हैज बीन कॉल्ड ग्रेव। सब इस मिट्टी में दबे पड़े हैं। एवरीवन इज बेरिड इन दिस सॉइल। एक भी आत्मा अभिमानी नहीं बचता। नॉट इवन अ सिंगल सोल कॉन्शियस वन इज लेफ्ट। तब इन कब्र दाखिलों को आकर के आत्म की स्थिति में स्थित कराता हूँ। इट इज देन दैट आई कम मेक दीज वंस बेरिड इन द ग्रेव स्टेबिलाइज इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। बताता हूँ। आई टेल देम कि तुम ये मिट्टी नहीं हो। यू आर इन दिस सॉइल। ये देह मिट्टी है। This body is soil. ये देह की उपाधियां हैं जो तुम अपने को समझते हो। These are just the designations of the body which you consider yourself to be. आत्मा इस देह में प्रवेश करके कार्य करती है। The soul acts after entering this body. Deh vinashi, atma vinashi. The body is perishable while the soul is imperishable. Atma sab Paramatma Bap ke bacche hain. All the souls are the children of the Supreme Soul Father. Aur jo bachchon ka roop so baap ka roop. And as is the form of the children, so is the form of the father. Atma avinashi, bap bhi avinashi. The souls as well as their father is imperishable. Lekin antar kya hai? But what is the difference? Atma bindu, paramatma bhi bindu. The souls as well as the supreme soul is a point. Atma janaman ke chakra mein aati hai. और चक्र में आने के कारण अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती है। The souls come in the cycle of birth and death and forget their previous births because of coming in it. और परमात्मा बाप कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। While the supreme soul father never comes in the cycle of birth and death. हद में भी नहीं आता और बेहद में भी नहीं आता। Neither in the limited sense nor in the unlimited. वेद का जन्म मरण का चक्र अर्थात निश्चय अनिश्चय का चक्र। The unlimited cycle of birth and death refers to the cycle of faith and unfaith. परमात्मा बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके आता है, एक व्यापी बन करके आता है, उसको कभी भी निश्चय अनिश्चय का चक्र नहीं आ सकता।
द परमानेंट चैरियट हु द सुप्रीम सोल फादर एंटर्स थ्रू हुम ही बिकम्स एक व्यापी व्हेन ही कम्स ही कैन नेवर कम इन द साइकिल ऑफ फेथ एंड अनफेथ। और सब मनुष्य आत्माओं को निश्चय निश्चय का चक्र आता है। ऑल द अदर ह्यूमन सोल्स कम इन द साइकिल ऑफ फेथ एंड अनफेथ। तो पहले ये बात बुद्धि में बिठानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक दिस पॉइंट सिट इन द इंटेलेक्ट कि भगवान बाप कौन है। एज टू हु गॉड द फादर इज। इन शास्त्र आदि के पढ़ने से कोई नहीं जागेंगे। Nobody will wake up by reading these scriptures, etc. Paramita Paramatma hai Jyoti Swarup. The Supreme Father, Supreme Soul is the form of light. Koi sthul jyoti ki baat nahi hai. It isn't about a physical light. Kaun si jyoti hai? Chaitanya. Which light is it about? Chaitanya Gyan ki jyoti hai. It is the living light of knowledge. परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी हुई है। बट द सोल ऑफ यू चिल्ड्रन हैज बिकम इम्प्योर। इस कारण तुम बच्चों की ज्योति उजानी हुई है। बिकॉज ऑफ दिस द लाइट ऑफ यू चिल्ड्रन हैज बिकम डिम। ज्ञान की ज्योति ठंडी पड़ी हुई है, तमो प्रधान हो गई। द लाइट ऑफ नॉलेज इज डल, इट हैज बिकम तमो प्रधान। तो पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत आदि करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वो कुछ भी काम का नहीं रहता। सो बिकॉज ऑफ नॉट गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर फर्स्ट ऑफ ऑल द हार्ड वर्क एटसेट्रा दैट यू डू, ओपिनियन एटसेट्रा दैट यू मेक देम राइट, ऑल ऑफ दैट गोज इन वेन। इसलिए सर्विस होती नहीं है। दिस इज वाई सर्विस डजंट टेक प्लेस। अगर निश्चय हो जावे तो बरोबर समझे कि हाँ ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। इफ समवन हैज फेथ ही विल सर्टेनली अंडरस्टैंड, यस द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इज गिविंग नॉलेज थ्रू ब्रह्मा। मनुष्य ब्रह्मा को देख करके कितना मुझते हैं। पीपल बिकम सो कंफ्यूज्ड ऑन सीइंग ब्रह्मा। क्योंकि ज्ञान की पहचान नहीं है। इट इज बिकॉज दे डोंट हैव द रिकॉग्निशन ऑफ नॉलेज। इन साथ साथ तो सब भक्ति मार्ग की झूठी सामग्री है। ऑल दीज स्क्रिप्चर्स एटसेट्रा आर द फॉल्स पैराफर्नेलिया ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति। इसलिए ये सारी दुनिया ही झूठ खंड हो गया है। दिस इज वाई दिस एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम द लैंड ऑफ फॉल्सहुड। तुम बच्चे अभी जानते हो कि भगवान अब पास होकर के गया है, भक्ति मार्ग भी पास होकर के गया है। यू चिल्ड्रन नो दैट गॉड हैज पास्ड अवे एंड द पाथ ऑफ भक्ति हैज ऑल्सो पास्ड अवे। कलयुग में होता है भक्ति मार्ग। देयर इज द पाथ ऑफ भक्ति इन द आयरन एज। और कलयुग के अंत और सत्युग के आदि संगम पर होता है ज्ञान मार्ग। एंड देयर इज द पाथ ऑफ नॉलेज इन द एंड ऑफ द आयरन एज एंड द बिगनिंग ऑफ द गोल्डन एज इन द कॉन्फ्लुएंस एज। अभी हम संगम युग पर हैं। नाउ यू आर इन द कॉन्फ्लुएंस एज। और भगवान से राजयोग सीख रहे हैं। एंड यू आर लर्निंग राजयोग फ्रॉम गॉड। दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। यू असिमिलेट डिवाइन वर्च्यूज फॉर द न्यू वर्ल्ड। और इस समय जो संगम युग में नहीं है वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। एंड दोज हू आरंट इन द कॉन्फ्लुएंस एज नाउ कंटिन्यू टू बिकम तमो प्रधान डे बाई डे। तो कौन संगम युग पर है? ब्राह्मण बच्चे। और कौन संगम युग पर नहीं है? बाप के सम्मुख बच्चे हो, जो बाप को सन्मुख अनुभव करते हैं, ब्रह्मा का बच्चा अपने को अनुभव करते हैं अथवा बच्ची अनुभव करते हैं,
वो संगम युग पर है। सो हु आर एंड हु आरंट इन द कॉन्फ्रेंस एज? दोज हु एक्सपीरियंस द फादर फेस टू फेस, दोज हु एक्सपीरियंस देमसेल्व्स द सन्स और डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा आर इन द कॉन्फ्रेंस एज। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं, ऐसे नहीं कि हम ब्राह्मण इस संगम युग पर इस दुनिया में बैठे हैं और ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में। They experience that in practice. It isn't that you Brahmins are in this confluence age in this world, while Brahma is in the subtle world. वो तो 63 जन्म भी मानते चले आए, तो नई बात क्या हुई? You continued to believe that in the 63 births as well. Then what is new in it? भगवान बाप तो practical में आता है। In fact, God the Father comes in practice. एक मुकर रथ में एक व्यापी बन करके आता है। He comes in one permanent chariot, being present in one. जो संगम युग पर नहीं है, वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाते हैं। Those who aren't in the confluence age, they continue to become tamo pradhan day by day. कौन? दुनिया वाले? Who? The people of the world. दुनिया वाले तो होते ही जाते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी जिनके सन्मुख भगवान नहीं है, वो संगम युग पर न होने के कारण दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। The people of the world continue to become that indeed. But even those with whom God isn't face to face in a Brahmin world, they too continue to become tamo pradhan day by day, as they aren't in a confluence age. उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, क्यों? बाप को नहीं। क्योंकि मनुष्य गुरुओं की मत पर चलते हैं। तमो प्रधानता कंटिन्यू टू इंक्रीज ऑन दैट साइड। व्हाई? इट इज बिकॉज दे फॉलो द ओपिनियन ऑफ ह्यूमन गुरुज। रावण की मत पर चलते हैं। दे फॉलो द ओपिनियन ऑफ रावण। रावण अनेक सिरों से अनेक मत देता है। रावण गिव्स मेनी ओपिनियंस थ्रू मेनी हेड्स। वो राम को नहीं पहचानते। दे डोंट रिकॉग्नाइज राम। जो एक सिर वाला है। हु हैज वन हेड। एक मत देने वाला है। हु गिव्स वन ओपिनियन। इसलिए वो तमो प्रधान होते जाते हैं और तुम सतो प्रधान बनते जाते। दिस इज वाई दे कंटिन्यू टू बिकम तमो प्रधान एंड यू कंटिन्यू टू बिकम सतो प्रधान। उस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जाता है। योर कॉन्फ्रेंस इज रीचेस कंप्लीशन ऑन दैट साइड। ये समझने की बातें हैं। These are the things to be understood. समझने वाले भी नंबर वार। Those who understand them are also number wise. बाबा रोज की ताकीद करते हैं कि पहले पहले जब तक एक बाप का परिचय नहीं होगा, तब तक कुछ भी समझ में बैठेगा नहीं। Baba tells you daily, until they, that is, new students, first obtain the introduction of the one father, they won't understand anything. वो ब्राह्मण क्या कहते हैं? What do those Brahmins say? हमें तो एक बाप का परिचय है, एक बाप है बिंदी। अरे, ये तो सभी आत्माएं बिंदी है। They say, we have the introduction of the one father. The one father is a point. Arey, all the souls are points after all. Baap bhi bindi aur sabhi aatmaye bhi bindi. To fir fark kya raha? The father as well as all the souls are points. Then what is the difference? Fark batate nahi. Wo bindi sada param naam vaasi hai.
They tell the difference saying, no, that point always resides in the supreme abode. और जो बिंदु बिंदु आत्मा है वो जन्म मरण के चक्र में इस दुनिया में आती है। द रेस्ट ऑफ द पॉइंट सोल्स कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इन दिस वर्ल्ड। तो क्या भगवान इस दुनिया में नहीं आता है? आता है। वेल, डजंट गॉड कम इन दिस वर्ल्ड? भगवान भी तो इस दुनिया में आता है। सर्टेनली गॉड ऑल्सो कम्स इन दिस वर्ल्ड। आता है तो फिर पता कैसे पड़े कि ये भगवान है? ज्ञान क्या? When he comes, how will you come to know that this one is God? ज्ञान क्या? परिचय तो चाहिए ना? You certainly need the introduction, don't you? सिर्फ बिंदी कहेंगे तो परिचय साबित नहीं होगा। If you say he is just a point, his introduction won't be proved. इसलिए बोला कि अच्छी तरह समझा करके उनसे लिखाना चाहिए निश्चय पत्र। This is why it was said, you should have them, new students, write the letter of faith after making them understand well. नाम रूप देश काल सब कुछ लिखाना चाहिए। You should make them write everything, including the name, form, country and time. निश्चय बुद्धि विजयंती होंगी। Those with a faithful intellect will attain victory. किस बात पर निश्चय बुद्धि? बाप के ऊपर। Faithful intellect on which point? जो बाप प्रैक्टिकल में एक व्यापी बनकर इस सृष्टि पर आता है उस पर निश्चय बुद्धि जो होंगे तो विजयी होते जाएंगे। Those who will have faithful intellect for the father who comes in the world being present in one in practice, they will continue to become victorious. बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत हो गई है। The children have formed the habit of speaking unnecessary things. बाप को याद करते ही नहीं है। They don't remember the father at all. याद करना बड़ा कठिन हो गया है। It has become very difficult to remember him. बाप को याद करना कराना छोड़कर अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते। They continue to narrate unnecessary things of their own rather than remembering and making others remember the father. पक्का निश्चय बुद्धि हुए बगैर और चित्रों की तरफ बढ़ाना ही नहीं चाहिए। You shouldn't let them move ahead to the other pictures at all until they have a firm faithful intellect. और चित्र माने? What does the other pictures mean? मूर्ति का चित्र है जब तक पक्का न हो जाए बुद्धि में निश्चयात्मक रूप से न बैठ जाए कि बाप का पार्ट बजाने वाला कौन है, तब तक आगे कुछ भी समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। Until the knowledge of the picture of Trimurti becomes firm, until it sits in the intellect firmly as to who the one who plays the role of the father is, there will be no use of explaining anything further. निश्चय ही नहीं है। They don't have faith itself. बाप के ऊपर निश्चय ही नहीं हुआ तो आगे समझाने से कोई फायदा नहीं। When they don't have faith in the father himself, there is no use of explaining further. क्यों? Why? तो फायदा नहीं। अरे कुछ तो ज्ञान की बातें और ज्यादा मिलेंगी ना। Why is there no use? अरे he will learn some more topics of knowledge, won't he? सुनते हुए बाप के ऊपर विश्वास नहीं बैठा, निश्चय नहीं हुआ
नहीं समझा तो बाप का बच्चा ही नहीं बना, तो हमारी काम करना। इफ यू डजंट बिलीव इन द फादर, इफ यू डजंट हैव फेथ ऑन द फादर, इफ यू डजंट अंडरस्टैंड, ही डिडंट बिकम द फादर्स चाइल्ड, सो ही इज ऑफ नो यूज टू अस। वो और धर्म पिताओं के ऊपर निश्चय करने वाला है। He is the one who will have faith on the other religious fathers. उनको अपना बाप समझकर बैठेगा। He will consider them to be his father. लेकिन जो एक व्यापी बाप बन करके आया है, उसको बुद्धि में अंत तक नहीं बिठा सकेगा। But he won't be able to make the father who has come as being present in one sit in his intellect till the end. इसलिए जब हमारे कुल का है ही नहीं, हमारे खून का ही नहीं है, तो हम उसके पीछे मेहनत क्यों करें? This is why, when he just doesn't belong to our clan, when he just doesn't share our blood, why work hard after him? मेहनत जबरदस्ती खींच खांच के करेंगे भी तो आगे चल के हमको धोखा दे करके फिर अपने बापों की तरफ चला जाएगा। Even if you forcibly work hard after him, he will deceive you and go to his fathers again later. हमको धोखा दे जाएगा? He will deceive you. और जो यहाँ धोखा देगा वो त्रेसठ जन्म भी धोखा देता रहेगा। And the one who would deceive you here will continue to deceive you in the 63 births as well. दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होता रहेगा। He will continue to convert to other religions. तो हमें तो चाहिए देवी देवता सनातन धर्म का पक्का। जो मुरली में बोला है, तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। So we need someone who is firm in the ancient deity religion. For which it has been said in the Murli, you are firm in the ancient deity religion. जो पक्के होंगे वो किसी और धर्म में कन्वर्ट होकर जा न सके। Those who are firm can't go and convert to some other religion. वो बाप के सिवाय और किसी की बात सुनेंगे भी नहीं। They won't even listen to anyone else except the father. तो जिनको निश्चय ही नहीं होता है वो कुछ भी समझेंगे नहीं। अलग का ही निश्चय नहीं हुआ, तो बाकी बातें तो थोपने के समान है। सो those who don't have faith itself, they will understand nothing. When they just don't have faith in Allah, it is as if you are imposing the rest of the things. बाकी बातों में थोथरा नहीं मारना चाहिए। You shouldn't waste time in rest of the things. इसलिए बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। This is why you waste a lot of time. क्या? What? और विस्तार की बातों में जाने से टाइम वेस्ट होता रहता है। You keep wasting time in explaining the other elaborate points. किसी की नब्ज को जानते ही नहीं है। You just don't know anyone's pulse. किसकी नब्ज में कैसा खून दौड़ रहा है? As to what kind of blood is flowing in his vein. सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि ये है ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर। सो यू शुड फर्स्ट गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर टू एवरीवन सेइंग दिस वन इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई ओशन ऑफ नॉलेज। इस सागर में सब सागर समाये हुए हैं, सब नदियां समाई हुई हैं, सब तालाब
में नहर है, गड्ढे गड़ीचियां सब इस सागर में समाने वाले। ऑल द ओशंस रिवर्स आर कंटेन्ड इन दिस ओशन, ऑल द पॉन्ड्स लेक्स कैनल्स ट्रेंचेस पिट्स आर गोइंग टू मर्ज इन दिस ओशन। ये ज्ञान का सागर है, सुप्रीम टीचर। He is the ocean of knowledge, the supreme teacher. इसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता। Nobody can teach him the studies. ये सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ाने वाला है। He is the one who teaches the studies to the entire world. इसको कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। Nobody can teach him. और बाप ये ज्ञान अभी ही दे रहे। And the father is giving this knowledge only now. अभी माना? संगम ऊपर ही देते हैं। What does now mean? He gives it only in the confluence age. जो शास्त्रों में लिखा है संभवामि युगे युगे कि मैं हर युग में आता हूँ, ये बात झूठी है। It is written in the scriptures about it, Sambhavami Yuge Yuge, meaning, I come in every age. This concept is false. Bhagavan ko to kaha jata hai Kalpantakari. God is in fact called Kalpantakari. To kalp ke ant mein hi aayega. So, he will certainly come in the end of the kalpa. Satyug mein, Treta mein, Dwapar mein kyun aayega? Why will he come in the golden, the silver or the copper age? Sangam yug par hi aata hai. He just comes in the confluence age. Aur purushottam sangam yug mein aata hai. And he comes in the purushottam confluence age. Baba, dwapar ke ant mein purushottam kahan se aaye? From where did the elevated souls come in the end of the copper age? Satyug treta dwapar kaliyug ke ant आते। Student, the golden, the silver, the copper, and the end of the iron age. He comes in the end of the iron age. सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत। क्या पूछ रहे? नहीं नहीं, आप पढ़ रहे सत्युग त्रेता द्वापर और कलयुग के अंत। ऐसा What are you asking, student? No, you said the golden, the silver, the copper, and the end of the iron age. चारों युगों में नहीं आता। सिर्फ कलयुग के अंत में आता। He doesn't come in all the four ages. He comes only in the end of the iron age. अब तीन बोले से मैं। शास्त्रों में जो लिख दिया है कि हर युग के अंत में आता है, वो संगम युग की बात लिख दी है। It has been written in the scriptures. He comes in the end of every age. The concept of the confluences itself has been written. जब संगम युग में आता है तो चारों युगों की शूटिंग कराता है। When he comes in the confluence age, he has the shooting of all the four ages done. हर युग की शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है। He is revealed in the end of the shooting period of every age. बाकी ऐसे नहीं कि वो हर युग में आता है। As for the rest, it isn't that he comes in every age. सत्युग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है। There is no need of this knowledge in the golden age at all. जो आवे। So that he has to come there. उसका नाम ही है सत्य का युग। Its very name is the age of truth. झूठ का नाम निशान वहाँ नहीं रहता। There is no name and trace of falsehood there. उस युग की स्थापना ही सच्च बाप करता है। जो सच्चा पातशाह कहा जाता है। The true father himself, who is called the true emperor, establishes that age. पीछे द्वापर से शुरू होती है भक्ति। Later, भक्ति begins from the copper age.
इसको कहा जाता है दुर्गति. इट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन. इसको भक्ति. व्हाट? भक्ति. भक्ति माने भागना. भक्ति मीन्स टू रन, दैट इज भागना. तीर्थों में, ठिकानों में, गुरुओं के पीछे भागते रहते. द डिवोटीज कीप रनिंग टू पिलग्रिमेज, सेक्रेट प्लेसेस एंड आफ्टर गुरुज. कहीं बुद्धि एकाग्र नहीं होती, धक्के खाते रहते हैं. द इंटेलेक्ट डजंट फोकस एनीवेयर, दे कीप सफरिंग ब्लोज. भक्ति को दुर्गति क्यों कहा जाता है? व्हाई इज भक्ति कॉल्ड डिग्रेडेशन, दैट इज दुर्गति. बुद्धि एकाग्र है तो सदगति. इफ द इंटेलेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज इन ट्रू लिबरेशन. और बुद्धि अनेक के आगे पीछे घूमती रहती है तो दुर्गति. व्हाइल इफ द इंटेलेक्ट कंटिन्यूज टू वांडर अराउंड मेनी, इट इज इन डिग्रेडेशन. मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है. द माइंड एंड इंटेलेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड द सोल. आत्मा की ही सदगति होती है और दुर्गति होती है. द सोल इटसेल्फ अंडरगोज ट्रू लिबरेशन एंड डिग्रेडेशन. दुष्ट मन दुर् विकेड मीन्स दुर एंड सत मीन्स ट्रूथफुल. सच्ची गति सत्य बाप आकर कराती है. द ट्रू फादर कम्स एंड मेक्स यू अटेन द ट्रू लिबरेशन. दुर्गति दुर्जन कराते द विकेड वंस, दैट इज दुर्जन, मेक यू अंडर गो डिग्रेडेशन, दैट इज दुर्गति. दुर्जन है कौन? Who are the wicked ones? जो झूठी बातें सुनाते. The ones who spell lies. खुद भगवान को जानते भी नहीं तो भी कल्पना की बातें सुनाते रहते. They continue to narrate fictitious things wherein they themselves don't even recognize God. या तो कह देते हैं शिवोहम. Or else they say शिवोहम. हम ही भगवान है. मीनिंग आई माई सेल्फ एम गॉड. यहाँ बाप कहते हैं कि जो अपन को भगवान कहते हैं वो है बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप. हियर द फादर सेज, दोज हू कॉल देमसेल्व्स गॉड आर द बिगेस्ट हिरण्यकश्यप. क्योंकि भगवान जब आवेगा तो अपन को कभी भी भगवान नहीं कहेगा. इट इज बिकॉज व्हेन गॉड कम्स He will never call himself God. भगवान को भगवान कहने की दरकार ही नहीं. God doesn't need to call himself God. Empty vessels make more noise. बाप के लिए दुर्गति का आवाज निकलता ही रहता है. पीपल कंटिन्यू टू रेज द वॉइस ऑफ डेरोगेशन फॉर द फादर. इसलिए बाप कहते हैं जब दुर्गति पूरी होती है अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता. This is why the father says, I come when the degradation reaches completion, that is, when it is the time for the completion of my derogation. चाहे 2000 वर्ष के दुर्गति मार्ग की बात हो, भक्ति मार्ग की बात हो, और चाहे शूटिंग पीरियड की बात हो. Whether it is about the path of degradation, that is, the path of bhakti of 2500 years, और अबाउट द शूटिंग पीरियड. शूटिंग पीरियड में भी निंदा होती है या नहीं होती है? इज द फादर डिफेम्ड इन द शूटिंग पीरियड एज वेल और नॉट?
सबसे जास्ती निंदा किसकी होती है? बाप की। उसके बाद नंबर दो में निंदा ब्रह्मा की होती है। स्टूडेंट ही इज हु इज डिफेम्ड द मोस्ट स्टूडेंट्स द फादर आफ्टर हिम ब्रह्मा इज डिफेम्ड इन द सेकेंड प्लेस। तो बाप के लिए दुर्गति का आवाज निकलता है। सो पीपल रेज द वॉइस ऑफ डेरोगेशन फॉर द फादर। इसलिए जब दुर्गति पूरी होती है मेरी निंदा पूरी होने का टाइम आ जाता है अति हो जाती है तब अति का अंत करने के लिए मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। This is why when degradation reaches completion, that is, when it is the time for completion of my derogation, when it reaches the extreme, I am revealed to bring an end to it. Adha kalpun ko ninda karni hi hai. Kinko? They just have to defame the father for half the kalpa. Who? The ones with a doubting intellect. They have faith and doubts every moment. अनिश्चय होता है तो निंदा करते हैं। निश्चय होता है तो महिमा करते हैं। They defame him when they have doubts. They glorify him when they have faith. जिनकी भी पूजा होती है उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं रहता। The devotees simply don't know about the occupation of all those who are worshipped. तो पूजा करने का फायदा क्या हुआ? कुछ भी। Then what is the use of worshipping them? चाहे देवताओं की पूजा करते हैं, चाहे देवियों की पूजा करते हैं, और चाहे शिव के मंदिर में जाकर के निराकार की पूजा करते हैं। Whether they worship the male deities, the female deities, or the incorporeal one going to the temples of Shiv. पूजा करते रहते हैं ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। They keep worshipping them, but don't know their occupation. 14 अप्रैल 1967 की वाणी का दूसरा पेज। Second page of the Vani dated 14th April 1967. तुम बच्चे बैठ इन बातों को समझाते हो। You children sit and explain these topics. क्या? What? भक्ति मार्ग में जो भी पूजा होती है, कर्म कांड होते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सब कहाँ की यादगार है? इस संगम की यादगार है। All the worship, the ritual acts that are performed, or everything that is done in the path of bhakti, is the yadgar of which time? It is the yadgar of this confluence age. जिनका खुद का ही बाप से योग नहीं है, तो वो दूसरों को क्या समझाएंगे? What will those who themselves don't have yoga with the father explain to others? बल शिव बाबा कहते हैं। तो दे से शिव बाबा। परंतु कहने वाले खुद ही योग में नहीं रहते। The ones who say such themselves don't stay in yoga. तो फिर उनके विकर्म विनाश होना भी मुश्किल है। Then it is also difficult to have their vikarm destroyed. धारण नहीं होती है। They aren't able to assimilate the knowledge. मुख्य बात है ही एक बाप को याद करना। The main thing is just to remember the one father. तो बात में ही माया वायलोरा डालती है। माया क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स इन दिस वेरी पॉइंट। बुद्धि एक बाप की याद में टिकने नहीं देती। शी डजंट लेट योर इंटेलेक्ट बी फॉर्म इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द वन फादर। बाकी तो टी टी कितना करते रहते हैं। एज फॉर द रेस्ट यू कीप नरेटिंग सो मेनी अननेसेसरी थिंग्स। योग नहीं है तो कोई काम का नहीं। You are of no use if you don't stay in yoga. जिनकी बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाता है
यह बाप आया हुआ है। Those who have firm faith in their intellect that the Father has come, उनकी बुद्धि में तो याद स्थाई बैठ जाएगी। The remembrance will become constant in their intellect. छप जाएगी। It will be imprinted on their intellect. दिल में याद छप जाती है, तो फिर भूलती नहीं। When the remembrance is imprinted in the heart, you can't forget it. और ऐसी याद में जो रहने वाले हैं, वो कोई को दो शब्द भी सुना देंगे, तो उनके दो शब्दों का भी जादू हो जाएगा, दूसरे के ऊपर हो जाएगा। And when those who stain such remembrance narrate even two words to someone, just two words of their will also do magic on the other. योग नहीं है तो जरूर देह अभिमानी होगा। If someone doesn't stay in yog, he will certainly be body conscious. बाप से योग नहीं है तो जरूर कोई न कोई को तंग करता रहेगा। If he doesn't have yoga with the father, he will certainly continue to disturb someone or the other. बच्चे भाषण आदि करते हैं तो समझ लेते हैं हम ही ज्ञानी तू आत्मा, अहंकार चढ़ जाता है। When children deliver speech etc., they consider themselves to be knowledgeable souls. They become egoistic. बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा तो हो। The father says, you certainly are knowledgeable souls. लेकिन टाँटा बहुत करते हो। But you speak about unnecessary things a lot. योग बहुत कम है। You stay in yog very little. योग पर पुरुषार्थ भी बहुत कम है। Your purushartha of yog is also very little. बाप कितना समझाते रहते हैं कि चाट रखो। सारा दिन में आज कितना याद किया? The father keeps explaining so much, saying, keep a chart as to how much you remembered me throughout the day. परंतु समझते नहीं। But you don't understand it. योग में बहुत बच्चे फेल होते हैं। Many children fail in yog. योग बिना विकर्म विनाश होंगे नहीं। विकर्म won't be destroyed without yog. कोई समझते हैं हम 40-25% याद में रहते हैं। Some think I stay in remembrance 40%. परंतु बाबा कहते हैं कि इनका याद 2% है। But Baba says their remembrance is of 2%. ये बाबा खुद कहते हैं कि भोजन खाने बैठता हूँ, एक दो गिट्टी खाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। This Brahma Baba himself says, when I sit to eat food, I eat one or two morsels and forget the father. स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। I remember Baba when I take bath too. सोचता हूँ भले उनका बच्चा हूँ परंतु याद तो करना है, फिर भी याद भूल जाती। I think though I am his child, I certainly need to remember him. Still I forget him. समझते हो? ये तो नंबर वन में जाने वाले हैं। You think this one is going to take the first rank? कौन समझते हैं? Who think that? जो याद करते हो। ब्रह्मा बाबा। समझते हो? ये किससे कहा? सन्मुख बैठने वाले बच्चों से कहा। Whom did he say? You think? He said it to the children who sit face to face. वो भी उन बच्चों से कहा जो इमर्ज करके बैठाए जाते हैं। That too, he said it to those children who are made to sit by bringing them forth in the mind. वो समझते हैं, क्या समझते हैं कि यह तो बहुत अच्छा नंबर वन में जाने वाले हैं। They think, what do they think? This one is going to take the first rank.
कौन? हु? स्टूडेंट प्रजापिता. यह दिस वन. प्रजापिता था उस समय 67 में. वॉज प्रजापिता अलाइव एट दैट टाइम इन 1967? ब्रह्मा. ये ब्रह्मा तो नंबर वन में जाने वाले हैं, ये तुम समझते हो. यू थिंक दिस ब्रह्मा इज गोइंग टू टेक द फर्स्ट रैंक? मैं नहीं कहता हूँ. आई डोंट से. तुम समझते हो ये नंबर वन में जाने वाले हैं? यू थिंक दिस वन इज गोइंग टू टेक द फर्स्ट रैंक? जरूर इनका ज्ञान और योग ठीक होगा. सर्टेनली ही विल बी गुड इन नॉलेज एंड योग. फिर भी ये बाबा कहते हैं कि योग में बहुत मेहनत है. स्टिल दिस बाबा सेज देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस योग. क्यों? व्हाई? बाबा की तो तन में ही प्रवेश करता है, फिर बहुत मेहनत क्यों महसूस होनी चाहिए? He, that is Shiv, enters the very body of Brahma. Then why should he, Baba, experience a lot of hard work? याद नहीं रहती. क्यों नहीं याद रहती? Student, he doesn't have it in his mind. Why doesn't he have it in his mind? तिरसठ जन्मों का हिसाब किताब. तिरसठ जन्मों का हिसाब किताब. क्या तिरसठ जन्मों का हिसाब किताब? जो प्रोजेक्ट के संस्कार एक दूसरे के अनिश्चय होते. नहीं. स्टूडेंट द कार्मिक अकाउंट्स ऑफ द 63 बर्थ्स. व्हाट कार्मिक अकाउंट्स ऑफ द 63 बर्थ्स? स्टूडेंट्स रिप्लाई, नो. उनकी बुद्धि में भी बैठा हुआ है कि गीता का भगवान साकार में कृष्ण है. इट इज सीटेड इन हिज इंटेलेक्ट एज वेल दैट कृष्ण इज गॉड ऑफ द गीता इन द कॉर्पोरियल फॉर्म. 63 जन्मों से बुद्धि में बैठा हुआ है. इट इज सीटेड इन द इंटेलेक्ट फॉर द 63 बर्थ्स. क्या? व्हाट? साकार गीता का भगवान साकार में कृष्ण की सोल है. द सोल ऑफ कृष्ण इज गॉड ऑफ द गीता इन द कॉर्पोरियल फॉर्म. तो सबसे ज्यादा बुद्धि में किसके ये उल्टी बात बैठी होगी? सो इन हूज इंटेलेक्ट वुड हैव दिस रॉन्ग पॉइंट बीन सीटेड द मोस्ट? सबसे ज्यादा तो जो कृष्ण की सोल होगी उसको नशा रहेगा. द सोल ऑफ कृष्ण विल हैव इलेशन द मोस्ट. कि मैं गीता का साकार में भगवान हूँ. थिंकिंग आई एम गॉड ऑफ द गीता इन द कॉर्पोरियल फॉर्म. परंतु कृष्ण तो गीता का भगवान हो नहीं सकता. बट कृष्ण कांट बी गॉड ऑफ द गीता. तो बहुत मेहनत महसूस करते हैं. सो ही एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ट्रायल करो, देखो, फिर अनुभव सुनाओ. गिव इट अ ट्रायल, सी फॉर योरसेल्फ एंड देन टेल मी योर एक्सपीरियंस. समझो कोई दर्जी है. सपोज देयर इज अ टेलर. कपड़ा सिलाई करते हैं. He stitches the clothes. देखें कि मैं बाप की याद में रहता हूँ कि नहीं. He should check whether he stays in the remembrance of the father or not. कपड़े कैसे सिलाई की जाते हैं? How are clothes stitched? मनन चिंतन मंथन करते हैं तो बुद्धि तो चलती है ना. When you think and churn, the intellect certainly works, isn't it? क्या बुद्धि चलती है? What goes on in the intellect?
कि 63 जन्मों में कौन कौन का क्या क्या पार्ट है, किन किन कपड़ों के साथ है। Who has played what role with which costume in 63 births? अगर बाप की याद में रहकर सिलाई करें तो ज्ञान का धागा भी अच्छा पकड़ेगा। If you stitch clothes by staying in the father's remembrance, the thread of knowledge will also be formed. Trial करें, फिर अनुभव सुनाएं। Give it a trial and then narrate your experience. देखें कि मैं बाप की याद में रहता हूँ। You should check whether I stay in the remembrance of the father. बहुत मीठा मासूक है। He is the very sweet beloved one. उनको जितना जितना याद करेंगे तो हमारे विकल्प विनाश होंगे और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। Your vikarn will be destroyed and you will become sato pradhan to the extent you remember him. तो अपन को देखना है हम कितना समय याद में रहते हैं। So you should check yourself as to how much time you stay in remembrance. फिर बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए। Then you should tell baba the result. क्योंकि योग में रहने से ही कल्याण होगा। It is because you will be benefited only by staying in remembrance. बाकी टिक टिक करने से कोई कल्याण नहीं होगा। As for the rest, there will be no benefit by speaking about unnecessary things. कुछ भी समझते नहीं है कि अलफ बिगर काम कैसे चलेगा। People understand nothing as to how things will work without अलफ। क्या? What? अलफ बिगर कैसे काम चलेगा? समझते हैं कि हाँ, भगवान बाप तो बिंदी है। They think, yes, God the Father is a point of light. Bindi hai ki alaf hai? Alaf hai, alaf hai. Is he a point or is he alaf? Alaf hai. Duniya ka jyada hissa kya samajhta hai Bhagwan ko? Bindi samajhta hai. What does the maximum population of the world consider God to be? It considers him to be the point. Lekin Bhagwan? Alaf hai. To alaf mein aata hai. But God comes in alaf. Sirf nirakar. Uska mahatv buddhi mein baithe to baithna baithna na baithna barabar ho jata hai. If the importance of only the incorporeal one sits in the intellect, understanding it or not understanding it is the same. Jab tak wo sakar mein pravesh na kare. Unless he enters the corporeal one. और जिस साकार में पहले पहले ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश करता है वो ही अलग है। एंड द कॉर्पोरियल वन हुम ही एंटर्स फर्स्ट टू नरेट द नॉलेज ही हिमसेल्फ इज अलग। अलग का पता ही नहीं है। दे जस्ट डोंट नो अलग। तो जैसे हीरो का पता ही नहीं है। सो इट इज एज इफ दे डोंट नो द हीरो एट ऑल। जिनको हीरो का पता ही नहीं वो जैसे जीरो हो जाते हैं। Those who don't know about the hero at all, it is as if they become zero. Alaf ke saath zero lagane se fayda ho jayega. You will be benefited by adding zero to alaf. Yoga nahi hai, to sara din sabah time kharab karte rehte. If you don't stay in yoga, you continue to waste your time the whole day. बाबा को बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा पिटीज द चिल्ड्रन अ लॉट। पिटीज। ओफो, बेचारे क्या पद पावेंगे। ओफ, व्हाट पोजीशन विल दीस पुअर वंस अटेन। इनकी तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। व्हाट विल इवन द फादर डू व्हेन इट इजंट इन देयर फॉर्च्यून। बाप तो बार बार समझाते रहते हैं। The father keeps explaining again and again. के दैवी गुण धारण करो। Assimilate the divine virtues. बाप की याद में रहो। Stay in the father's remembrance. बाप से लव होगा
तो श्रीमत पर भी चल सकेंगे। If you have love for the father, you will also be able to follow Srimad. बाप से प्रीत नहीं होगी, विपरीत बुद्धि होंगे तो श्रीमत पर नहीं चल सकते। If someone doesn't have love for the father, if they have an opposing intellect, they can't follow Srimad. फिर भी सड़ी गली मन मत पर या मनुष्य मत पर चलते रहेंगे। You will still continue to follow the rotten opinion of your mind or of other human beings. क्यों? Why? क्योंकि बाप से प्रीति ही नहीं है। It is because you don't have love for the father at all. प्रजा तो ढेर बननी है। Many are going to become subjects. परंतु तुम यहाँ किस लिए आए हो? But why have you come here? राजा बनने प्रजा बनने के लिए थोड़े ही आए हो। Student, to become kings through Rajyog, you haven't come here to become the subjects. प्रजा बनना अर्थात प्रभावित होना। To become the subjects means to become influenced. जो आएगा वो अपनी बातों से प्रभावित करता रहेगा। Whoever comes will continue to influence you with his talks. तो समझना चाहिए हम प्रजा बन गए। Then you should think we have become a subject. जिससे प्रभावित हुए उसकी प्रजा बन गए। You became the subject of the one who influenced you. तुम यहाँ राजा बनने के लिए आए। You have in fact come here to become kings. क्या? राजा। प्रजा माने आधीन। किसके? राजा। What? Subjects means dependent. On whom? On the king. तुम प्रजा बनने नहीं आए हो। You haven't come here to become subjects. तुम तो राजा बनने के लिए आए हो। You have certainly come to become kings. तो इसे राजा ही पाने में मेहनत है। So there is hard work in obtaining this kingship. बल स्वर्ग में भी जाएंगे। कौन? Though they will go to heaven, who? जो सजाएं खाएंगे, प्रजा बनेंगे। Those who suffer punishments and become subjects. बल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खा करके पिछाड़ी में आ करके कुछ न कुछ पद पाएंगे। Though they go to heaven because of suffering punishments, they will attain some or the other position in the end. माने? What does it mean? जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो पहले आवेगी या प्रजा बनने वाली आत्माएं पहले आवेगी? Will the souls who become kings or subjects come first? Students, those who become kings. राजा बनने वालों को पहले निश्चय होगा। Those who become kings will have faith first. और प्रजा बनने वालों को बाद में निश्चय होगा। And those who become the subjects will have faith later. इसलिए बहुत कहते हैं हमारे घर परिवार में कोई नहीं चलता। This is why many say nobody in my house and family follows the knowledge. बाप कहते हैं तुम्हें तो वरदान मिला हुआ है, एडवांस में चलते हो तो जरूर तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार आएगा। The father says, you have received a boon. If you follow the advanced knowledge, your entire family will certainly come in knowledge. फिर क्यों चिंता करते हैं? हैं? कहते हैं अरे बाद में आए तो क्या हुआ? Then why do you worry? They say, अरे, what is the use if they come later? तंग करते हैं। पहले आवेंगे
तो कुछ न कुछ ज्ञान की धारणा होगी, राजाई प्राप्त करेंगे और बाद में आवेंगे तो प्रजापद पावेंगे। They will assimilate the knowledge to some extent and attain kingship if they come soon. They will attain the position of subject if they come later. प्रजा तो कोई राजयोग सीखने की दरकार है ही नहीं। The subjects don't have to learn राजयोग at all. बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना? बाबा knows every child, doesn't he? बाप कहते हैं योग में बहुत कच्चे हैं। The father says, you are very weak in yog. जो कच्चे होते हैं उनकी निशानी है क्या? उनकी निशानी है देहवान में आकर के छोटी छोटी बातों पर, थोड़ी थोड़ी बातों पर रूसते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, दम चक्कर मचा देंगे। There is a sign of those who are weak in yoga. What? Their sign is, they keep becoming displeased, they keep fighting over trivial matters, over petty issues out of body consciousness. They will cause a tumult. Kiski nishani batai? Jo yoga mein kacche hain unki nishani batai? Petty. Whose sign was mentioned? The sign of those who are weak in yoga was mentioned. यहाँ तो मुख्य बड़े बड़े बच्चों का ये हाल है। This is the condition of the chief senior children here. कहाँ की बात बताई? संगम संगम। It was said about which place? Student, the confluence age. नहीं सड़सठ की बात बताई, नॉट द कॉन्फ्लुएंस एज, इट वॉज सेड अबाउट 1967। योग ही नहीं, दे जस्ट डोंट हैव योग। योग बल वालों की चरण बड़ी रायल होगी। द बिहेवियर ऑफ दोज विथ योग बल विल बी वेरी रॉयल। शानदार चलन होगी। Their behavior will be majestic. वो बहुत कम बोलेंगे। They will speak very little. सर्विस में रुचि बनी रहेगी। They will continue to have interest for service. कैसे दूसरों को समझावें? Thinking, how should I explain the knowledge to others? यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जावे। परवाह नहीं करेंगे। They won't care even if their bones are sacrificed in the service of the यज्ञ। परंतु बाबा कहते हैं याद में जास्ती रहेंगे तो बाप से लग होगा। But Baba says you will have love for the father if you stay more in remembrance. कोई कोई है मुख्य ये बात पर ही पकड़ते हैं कि गीता किसने गाई। There are some who catch hold of others on this very main point as to who sang the Gita. कोई बच्चे हैं मुख्य किस बात पर पकड़ते हैं? गीता की बात उठाते हैं। There are some children who catch hold of others on which point? They catch hold of the topic of the Gita. कृष्ण का नाम लेकर गीता को खंडन कर दिया है इस बात पर ही समझाते। They explain on this very point that the Gita has been ruined by adding the name of Krishna. गीता को खंडन कर दिया इसलिए भारत इतना हीन हुआ है। The Gita has been ruined
दिस इज व्हाई भारत हैज डिग्रेडेड सो मच. दीनहीन किस लिए हुआ? गीता का खंडन करने से. कि गीता पूरी ही खंडन की हुई है. व्हाई हैज इट बिकम पुअर एंड डिग्रेडेड एज द गीता हैज बीन कम्प्लीटली रुइंड. खंडन की हुई है. इट हैज बीन रुइंड. मनमत से खंडन की हुई है. स्टूडेंट्स रिप्लाई, इट हैज बीन रुइंड ड्यू टू वन्स ओन ओपिनियन. शास्त्र है इसलिए. बाप की जगह बच्चों का नाम. शास्त्र में कृष्ण का नाम डाल दिया इसलिए. Is it because it is a scripture? Student, the name of Krishna has been added. Yes. Is it because the name of Krishna has been added in the scripture? Sarvaratri Panadi. Shastra to wo samajh lete hain jad. They consider the scripture Gita to be inert. लेकिन है चैतन्य गीता माता की बात. बट इट इज एक्चुअली अबाउट द लिविंग मदर गीता. एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं. एवरीवन बिकम्स डिग्रेडेड व्हेन दैट वन बिकम्स डिग्रेडेड. और एक के पावन होने से सब पावन हो जाते हैं. एंड एवरीवन बिकम्स प्योर व्हेन दैट वन बिकम्स प्योर. माता की दुर्गति हुई तो सारी दुनिया की दुर्गति हो जाती है. और माता की सदगति होती है तो सारी दुनिया की सदगति हो जाती है. द होल वर्ल्ड अंडरगोज डिग्रेडेशन व्हेन द मदर डिग्रेड्स एंड द होल वर्ल्ड अटेन्स सदगति व्हेन द मदर अटेन्स सदगति. तो इस बात पर बहुत जोर देना है. So, you have to emphasize this point a lot. एक माता है जो 5000 वर्ष में पूरी ही दुर्गति को पाती है. One is the mother who suffers complete degradation in the 5000 years. सारी ही गीता खंडन हो जाती है मनुष्यों के द्वारा. The entire Gita is ruined by the human beings. और एक माता है जो कन्याकुमारी कही जाती है. एंड द अदर मदर इज कॉल्ड कन्याकुमारी. माता है तो दोनों. बोथ ऑफ देम आर इंडीड मदर्स. एक जगत माता है एक भारत माता है. वन इज वर्ल्ड मदर एंड द अदर इज मदर इंडिया. किसके ऊपर सारी दुनिया का मदार है? जगत माता. जगत पिता के ऊपर नहीं. उसमें तो भगवान आया उसकी दुर्गति सदगति की बात ही नहीं. जगत माता की बात है. द एंटायर वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन होम. स्टूडेंट्स रिप्लाई, नॉट ऑन द वर्ल्ड फादर. गॉड हैज कम इन हिम. हिज दुर्गति और सदगति इज आउट ऑफ क्वेश्चन. इट इज अबाउट द वर्ल्ड मदर. ओम शांति. ओम शांति.